बदलाव के लिए ना चंद लोग ही होते हैं, और वही लोग बदलाव करते हैं। तो दिल्ली में जो हालात हैं वही देश में हालात हैं। अगर हम लोग नहीं संभले ना आज, अगर मैं कहूंगा इन ब्राह्मण बनिए ठाकुरों की सरकारें दोबारा आ गई, तो सोच लो ना तो तुम्हारा संविधान बचेगा ना तुम्हारा आरक्षण बचेगा। और मैं अभी आते आते भाई को कह रहा था, एक गाड़ी वाड़ी सब छीन लेंगे हम, जैसे लोगों को जेल में डाल देंगे, है ना, घर वर सब छीन लेंगे आप लोगों से। इन लोगों ने लिस्टें बना रखी है, जिनसे तुम लोग फेसबुक पे लिखते हो ना, सब कुछ सबकी लिस्टें बना रखी है कि कौन कौन जेल में जाएगा लोग। लेकिन हम नहीं डरते, नेल्सन मंडेला जैसे लोग 35-36 साल जेल में रहे हैं। समाज के लिए आपको कुछ भी करना पड़ जाए, अभी चंद्रशेखर भाई को देख लो, युवा है बेचारे, वो जेल में गए, हो सकता है अगला नंबर इनका अपने शक्ति दल वालों का हो, सर्वे नंबर आएगा। लेकिन जो समाज के लिए जेल जाएगा ना, वो इस समाज का हीरो होगा, वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, समाज पर विश्वास करेगा। और समाज ने ऐसा किया भी है समय समय पर, बहुत सारे लोगों ने। और देखो भाई, हम राजनीति में रहे हैं, हमने देखा है जो आदमी सीट पे होता है ना, जिसके उसके ना आंख नहीं होती, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं इनका आंख नहीं होती, सिर्फ कान होते हैं। और जो जितना अच्छा बेडरूम का कुत्ता होता है ना उसका, उस नेता का, वो जो भोगता वो वही सुनता है, अच्छे लोगों को नजदीक नहीं आने देते वो लोग। तो हमने बड़ा अनुभव किया, मैंने अर्श भी देखा और फर्श भी, मेरे ख्याल में बेसमेंट का मैं तो कभी नीचे पाताल कहते हैं वहां से चला गया था। लेकिन आज फिर इनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हम लोग पॉलिटिकल पार्टियों के, हम लोग खुल के बोलते हैं, है ना। और अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का नहीं बोलेगा, देखो बाबा साहब ने शिक्षित वाली जो बात कही थी, वो काशीराम सर जैसे लोग थे, वो लोग वैसे लोग नहीं थे जो जगजीवन राम जैसे लोग जिन्होंने राज किया, और बहुत सारे लोग आए सब सर हो गए। आप एक चीज बताओ मुझे, इतने सारे अनुभवी लोग बैठे हो, क्या किसी को अपने परदादा का नाम पता है? तो अंबेडकर का नाम कैसे पता आपको, साहूजी महाराज का कैसे पता है, खड़गे साहब का कैसे पता है? ये परिवार जो ना एक प्रणाली होती है, लोग पैदा होते हैं ठीक है मर जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर विचार हो ना उनसे क्रांति आती है। और बाबा साहब जो ना, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक मनुष्य नहीं थे, वो महामानव थे, और उनके विचारों से क्रांति आई है इस देश में, इस दुनिया में, दुनिया सीख रही उनके। और उन्हीं को देख के साहब काशीराम, अभी आपने देखा होगा निर्वाण दिवस था, पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुझे एक प्रोग्राम में मिले थे प्रकाश राव अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा रहे बड़ी बसपा की तू बड़ाई करता है, बहन जी की बड़ी बड़ाई करता है। तो मैंने उनको कहा कि शुक्र मनाओ कोई काशीराम पैदा हो गया, नहीं तो आज आपके दादा को लोग जानते नहीं। यही पता होता कि संविधान लिखा है, बस किसी व्यक्ति ने संविधान लिखा है, है ना। तो अगर साहब काशीराम ना होते तो बाबा साहब का नाम कोई नहीं जानता, मुझे ये महसूस होता, मेरे व्यक्तिगत विचार है, किसी को हो सकता है इससे आपत्ति हो। और अगर बाबा साहब को कमरे से बाहर पढ़ा के बैठा के नहीं पढ़ाया होता तो कोई बाबा साहब भी ना बनता और अंग्रेज ना होते तो, और मेरे ऊपर भी आरोप ना लगता तो शायद मैं भी तुम्हारे बीच में नहीं होता, मैं भी दलाली कर रहा होता। हर आदमी के जीवन में, हर आदमी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आते हैं, कोई पहचान के उनके हिसाब से रास्ता अपना लेता है, कोई जो है ना सरेंडर कर देता है। मैंने भी सोचा था कि यार तो हत्या कर लेता हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। इतनी बदनामी हुई, मेरे पूरे परिवार ने सोचा था कि सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं, बैठे सारे, सारी चीजें हो गई। मगर मैं एक बात कहूँ, चलो आज मर जाएंगे तो कायर कहलाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो झूठे आरोप हैं ये सच हो जाएंगे। तो हमने कहा कि आप लोग सारे लोग ये मान लो कि आज से हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हम लोगों का जो पीछे का था वो सब कुछ हो चुका, खत्म, मर चुके हम। और उस दिन कसम खाई थी कि दिल्ली में, देखो मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, दिल्ली में हम अगली बार मूल निवासी बहुजन समाज का अगर सीएम नहीं बनाएंगे ना, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और बना के रहेंगे। स्वागत है बाबू जी आपका। बाबू जी को तो सब जानते हैं, परिचय का मोहताज है नहीं, इन लोगों की वजह से हम लोग सीखे हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा,
जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये इतने सारे मुद्दे हैं। अगर हमारे कितने लोगों पे मुकदमे लगते हैं, अगर तुम्हारा जज नहीं होगा, तुम्हारा सांसद नहीं होगा, तुम्हारे विधायक नहीं होंगे, तुम्हारे अच्छे लॉयर नहीं होंगे कहीं कोर्ट में, तो आप लोग किस न्याय की उम्मीद करते हो? अभी तक जितने भी लोग जेल में गए हैं, कोई SC ST OBC यही लोग गए हैं। शीला दीक्षित भी बाहर घूम रही है, वडेरा भी बाहर घूम रहा है, ये सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं। जजों को मरवा देते थे, अमित शाह जैसे लोग भी बाहर घूम रहे हैं। ये सारे लोग कौन से लोग हैं, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप लोग क्रांति नहीं कर सकते। सामाजिक क्रांति जितनी भी करी है आज तक, सभी पढ़े लिखे लोगों ने करी है। एक अनपढ़ आदमी अगर गलती से चला जाता ना, तो वो कभी इतिहास से देवीलाल की तरह गायब हो जाता, समझ में नहीं आता। देवीलाल जी भी थे ना उसमें, क्रांति में कहां पहुंच पाए। आपको सबसे पहले एकेडमिक नॉलेज के हिसाब से आपको सामाजिक नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको क्या जरूरत है 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, आराम से बैठ के खाएं। लेकिन हम लोगों ने, गुरुजी से बात होती थी, गुरुजी कहते हम 10-10 किलोमीटर नंगे पांव जाते थे स्कूल में पढ़ने, है ना, बहुत बुरा टाइम देख रखा है। और आज ये प्रोफेसर हैं, हेड हैं JNU में, आप लोगों के पास तो सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। आप तैयार हो जाओ और अपने बच्चों को भी तैयार करो। और जहां तक राजनीति के विकल्प की बात है, पहले आप लोग रोड पे संघर्ष करो। जब तक आप लोग रोड पे संघर्ष करते नहीं दिखेंगे, समाज विश्वास नहीं करेगा हमारे। बहुत सारे लोग आए, मैं माफी चाहूंगा कुछ लोग बुरा ना माने, बहुत लोगों ने घर में बैठ के पार्टियां बना रखी हैं, रजिस्टर करवा के इधर रखी है। लेकिन सारे लोग मिल जाओ, पार्टी बनाएंगे रामलीला मैदान में, और शपथ भी रामलीला मैदान में ही लेंगे, जब तो आएगा मजा। नहीं तो पता कहेंगे ये मास्टर जी की पार्टी, ये संदीप की पार्टी है, फलाने की पार्टी है, ये निकड़े की पार्टी है। और नहीं तो मेरे हिसाब से तो एक पार्टी है भी, उनको समझा लो, बहन जी को समझा लो, सारे लोग, उससे बड़ी पार्टी तो है नहीं आज देश में कोई। देखो मैं उनका समर्थन करता हूं हमेशा, सबने सबके बलिदान की बात होती है। एक लड़की भी थी जो सब काशीराम के हर पैर के साथ पैर रख के चली, बराबर संघर्ष में साथ रही। हमें आरोप लगाने में 2 मिनट लगती हैं। एक बार आप जो ना अपना परिवार में बदलाव ला के देखो। मैं बताऊं, सुबह सुबह मेरी घरवाली के साथ झगड़ा हुआ, मंगाया तो भगवान के साथ रह लिया, मेरे मुझे तलाक दे दे। एक काम कर ले, या तो मेरे मुझे पति मान ले, या भगवान को मान ले, या मैं रह सकता हूं तेरे साथ, या भगवान रह सकता है। मैं भगवान को मानता नहीं, भगवान हमारा कोई है तो साहब का सिरा है, बाबा साहब है ना, ये है हमारे भगवान। तो मैं तो बहुत छोटा सा हूं आप लोगों से, है ना, पर हट कर रखा है। इनके हनुमान ने तो खाया नहीं होगा सूर्य, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं केजरीवाल को खा के रहूंगा दिल्ली में, ये हमने सोच रखा है ना। और आप लोगों का सहयोग रहा गुरु जी, आप लोग थामो साइकिल साहब काशीराम वाली, हम लोग पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं आपके। तो आप लोगों ने सुना या बुलाया, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।